Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, student. I hope you are doing well at home. Student, we have started our chapter Living on Earth. So open your reading book page number 30. Today we are going to read Ecosystem. Student, apna new chapter start kar chuke hain, unit 3 Living on Earth. Aaj hum isse continue karenge ecosystem. Ecosystem kya hota hai? Aap logon ko pata hai plants aur animal ko zinda rehne ke liye jo hai ek dusre ke upar depend hona padta hai. They have adapted to live with each other and in their habitats. उन्होंने एक दूसरे को adapt कर लिया है जिंदा रहने के लिए और उस जगह पे रहने के लिए जहाँ पे वो एक साथ रह सके. Living thing in a particular place interact with each other and with their non-living environment. Living thing जो है particular place में जहाँ रहते हैं वहाँ पे interact करते हैं एक दूसरे से और non-living thing से भी, जैसे कि environment है, weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere, ये सब चीज़ें obviously इनको adapt करनी पड़ती हैं. इसे कहा जाता है ecosystem. इकोसिस्टम में क्या होता है? ईच लिविंग थिंग हैज़ हिज ओन स्पेशल रोल टू प्ले. इकोसिस्टम में क्या होता है? हर लिविंग थिंग की एक स्पेशल रोल होता है, ठीक है, जो कि वो प्ले कर रहे होते हैं. इकोसिस्टम में क्या होता है? उसे भी इफेक्ट हो सकता है जब भी कोई न्यू प्लांट या न्यू एनिमल जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है. जो न्यू अराइवल होता है वो क्या करता है? पुश करता है एक दूसरे को कि वो वहाँ से हट जाए. एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग दैट डिपेंड ऑन दैम. तो ये अफेक्ट करता है लिविंग थिंग को जो वहाँ पर डिपेंड करते हैं उनके ऊपर. इकोसिस्टम क्या होता है? वो डिस्टर्ब हो जाता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी, जैसे कि स्टॉर्म आ जाते हैं, फ्लड्स हो जाते हैं, फायर, वॉल्केनिक एरप्शंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो सकता है. सम एनिमल्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं. आप लोगों को पता है कि पहले टाइम में जो है वो डायनासोर्स होते थे, लेकिन अब वो नहीं है, वो एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है. सम एनिमल्स किस वजह से भी एक्सटेंट हो चुके हैं? ह्यूमंस के एक्शंस की वजह से एक्सटेंट हो चुके हैं, क्योंकि जैसे कि डोडो जो है ये एक फ्लाइटलेस बर्ड था, लेकिन इसको इतना शिकार किया गया कि ये अब जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल भी पाया नहीं जाता. हाउ ह्यूमन अफेक्ट एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स. किस तरह ह्यूमंस जो है अफेक्ट करते हैं एनिमल्स को और उनके हैबिटेट्स को. ह्यूमन क्या करते हैं? वो डिस्टर्ब कर देते हैं उनका हैबिटेट उन्हें चेंज करके. इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. इकोसिस्टम जो है वो भी वेरी करता है साइज़ पे. कभी बहुत छोटा और लाइक बिल्कुल पर्डल जितना हो सकता है, और कभी बहुत बड़ा हो जाता है फॉरेस्ट जितना. जब लैंड क्लियर होता है तो क्या होता है? वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे क्या कर लेते हैं? हाउस बिल्ड कर लेते हैं. तो ये भी जो है दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स. एंड इसका भी जो है असर पड़ता है प्लांट्स और एनिमल्स पर. फॉर एग्जांपल स्मॉल एनिमल्स जो है वो अपने घर जो है खो देते हैं, उनका खाना जो है वो उन्हें नहीं मिलता, उन्हें फूड और शेल्टर के लिए जो है कहीं और जाना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज वहाँ पर लोगों ने घर बना लिया होता है और उनकी वो जगह जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, राइट. उसके बाद देखिए पाकिस्तान में सम एनिमल्स जो हैं वो बहुत ख़तरे में हैं, क्योंकि वो ख़त्म होते जा रहे हैं. जैसे कि उन एनिमल्स में उन्हें इस वक्त जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि माउंटेन शीप, एशियन ब्लैक बेयर, माउंटेन वीजल, फॉरेस्ट डोरमाउस, ठीक है. ये एनिमल्स जो है ये एक्सटेंट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो स्टूडेंट, जो हमारा लिविंग ऑन अर्थ है चैप्टर, वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक. तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है, समझना है. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.